Pasan hajare tau boss ari ase bera koni ketane boss re boss hum na chode tode phode jo bhi humse panga le hum hello nanku friends I am back with another video entry aapne dekh hi li hogi steel bird ne ek aur gift bheja hai ab ki baar dosto ye thoda sa unique hai आप देख सकते हैं इसे। तो दोस्तों इस हेलमेट को बेसिकली इस टाइप की बाइक पर यूज़ कर सकते हैं या बुलेट पे आप देखते होंगे राइडर्स जाते हैं तो वो इसी टाइप के हेलमेट्स का यूज़ करते हैं। इस हेलमेट में अगर देखा जाए तो इसकी एक ही बात अच्छी नहीं लगी, बाकी कंफर्टेबल और विजिबिलिटी वगैरह सारी अच्छी है। और इसके अगर मटेरियल की बात की जाए तो वो भी स्टील बर्ड का है, तो सीधी सी बात है कि ये मजबूत तो बहुत होने वाला ही है और रफ़ बॉडी मिलती है इसे। बस एक इसकी प्रॉब्लम है कि ये नीचे वाले मुंह को थोड़ा सा नहीं कर पाएगा कवर। आपको साइड में तो मिल जाता है, आपके कान वगैरह यहाँ तक ढक जाएगा, लेकिन आगे मुंह पे फिर आपको कुछ दूसरा कपड़ा रुमाल वगैरह कुछ बांधना पड़ेगा उससे बचने के लिए। सर्दियों में इस हेलमेट की एक डिसएडवांटेज कि हवा बहुत लगती है ठंडी ठंडी, बाकी गर्मियों में तो मुँह जलेगा ही। तो दोस्तों अब इसकी जो मेन हाईलाइट है, मतलब क्या मटेरियल यूज़ कर रखा है, जो इसकी प्राइस है, इसकी प्राइस जो है वो 2000 रुपये है। ऐसा क्या यूज़ कर रखा है इसमें जो इतनी मतलब हाई प्राइस यूज़ कर रहे हैं ये, ठीक है। तो पहले इसके मटेरियल की बात करें तो नॉर्मल आप कोई भी हेलमेट लेते हो तो इसमें प्लास्टिक का यूज़ होता है, लेकिन इसमें हार्ड प्लास्टिक नहीं है, एकदम सॉफ्ट प्लास्टिक है, जो कितना भी इसको अगर यूज़ करो तो ये देखो टूटेगा नहीं। दूसरी चीज़ जो ये ग्लास है ये भी काफ़ी अच्छा है, नॉर्मल ग्लास नहीं है, ये फाइबर ग्लास है और काफ़ी हार्ड और सॉफ्ट दोनों मटेरियल यूज़ कर रखे हैं, हार्ड भी और सॉफ्ट भी है, ताकि थोड़ा आप हिलाओ तो कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात करें तो इसके नीचे जो दे रखे हैं एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए, इसको आप हटा भी सकते हो, इसे चाहो तो आपसे खोल भी सकते हो, तो ऐसे ही ओपन हो जाता है और फिर आप आराम से यूज कर सकते हो इसका। और अंदर से ये मटेरियल ये भी आप इसको खोल सकते हो, पूरा ओपन होता है यहाँ से, ताकि ज़्यादा अगर ये गंदा हो जाए तो आप इसे खोल के वॉश करके वापस लगा सकते हो। ओ दोस्त तो दोस्तों इसे लेने की क्या क्या मतलब एडवांटेज मिलेगी आपको, तो उस पर बात करते हैं। फर्स्ट ये बहुत लाइट वेट है, तो इससे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर पर कोई पत्थर वगैरह रख दिया है ढोने के लिए, और कहीं पर भी जाओगे आप तो पैर लोगे, कोई टेंशन नहीं है यार पैर लेते हैं, हल्का सा हेलमेट है। पुलिस वालों से बचने के जो पॉइंट ऑफ व्यू से पहनते हैं हेलमेट, वो वाली बात इस हेलमेट में आपको इतनी नहीं मिलेगी। सेकंड इसके लुक्स की बात की जाए तो लुक्स में अगर आप अपना मुंह दिखाना चाहते हैं तो ये हेलमेट आपको बेस्ट रहेगा, आपका मुंह पूरा दिखेगा बाहर, सिर्फ ये आपकी हेड की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और इस हेलमेट को पहनने के बाद आप फील करोगे कि आप कोई पायलट हो और कोई एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हो, उस टाइप से फील आ जाएगा। रफ़ एंड टफ न्यू स्टाइल वाला हेलमेट स्टील बर्ड ने अभी लॉन्च किया है रिसेंटली, ये मॉडल इसका नाम है SBH10, जो कि स्टील बर्ड का एक मॉडल है, बंकर लिखा हुआ आता है सामने की। और ये अगर इसकी बात की जाए फाइबर ग्लास, अगर इसकी आप जैसे 100 रुपये में भी मिलता है हेलमेट उस टाइप से अगर देखेंगे तो उनके कांच टूट सकते हैं, इतनी मजबूत भी नहीं होती है। लेकिन अगर इसकी ब्रांडिंग की जो बात की जाए, ग्लास पर सबसे ज़्यादा फोकस करता है स्टील बर्ड, उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा टाइट है। अगर कुछ कीट पतंगे उड़ के लगते भी हैं ग्लास पर तो उस टाइप के स्क्रैचेस वगैरह नहीं आ सकते हैं इस ग्लास पर, स्क्रैच प्रूफ भी कह सकते हैं इस ग्लास को। दोस्तों ये हेलमेट वैसे 1.5-2 हफ्ते पहले आ चुका था, तो सॉरी स्टील बर्ड लेट करने के लिए, बट क्या बाइक्स अरेंज हो रही थी बार बार तो टाइम नहीं मिल पा रहा था इसके लिए। और आज देखो इसका करने, देख सकते हो कितना बच्चे वगैरह आ रखे हैं साइकिलें वगैरह लेके आ गए, इनकी साइकिल मैंने फर्स्ट यूज़ की थी आप देख सकते हो ट्रेलर में। तो दोस्तों हर बार रहता ही है हमारा, कोई ना कोई तो जरूर आते हैं हमारे टीम में मतलब देखने के लिए कुछ होता है, तो वैसे ही क्या होता है हम जा रहते हैं ना तो वहाँ पर ये शूटिंग वगैरह बहुत कम होती है, तो काफ़ी इंटरेस्ट रहता है बच्चों को ये सब देखने का। और स्टंट के मामले में देखा जाए तो बच्चे बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, ये सभी कह रहे हैं कि भैया कुछ स्टंट करके बताओ, हम क्या लोकेशन थोड़ी सहम है, हमेशा आते हैं स्टंट वगैरह करते हैं तो इनको पता है, तो ये आज कह रहे हैं कि आप भी करो स्टंट। सेकेंड बच्चों की अगर आप देखोगे तो साइकिल पे भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिफ्ट करते हैं, अब ये बोल रहे हैं व्हीली करने का, तो जो नरेंद्र भैया ट्राई करके बताएं कि व्हीली मुझे नहीं आती है साइकिल इतनी चलानी, इसलिए मैंने नॉर्मली राइड की थी, अब नरेंद्र करेंगे रिफ्ट व्हीली जो भी आप चाहते हो वो नरेंद्र करके दिखाएगा। वाह भाई मरूं। और हेलमेट बहुत अच्छा है दोस्तों लेने के लिए,
हेलमेट लेना हो तो बेस्ट है। पसंद आ रहा है एक बार जाके कमेंट कर देना, आपको पसंद नहीं आ रहा है तो गंदे कमेंट करने की बजाय आप कमेंट ही ना करो और वीडियो स्किप कर दो पहले ही। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा हेलमेट लाइक करके बताना, डिसलाइक देखते हैं हेलमेट को कौन कौन करते हैं। डिसलाइक करने की वैसे इसमें कोई ऐसी फॉल्ट है ही नहीं कि इसे डिसलाइक किया जाए, सिर्फ एक दो पॉइंट ऑफ व्यू उसके लिए आप हेलमेट दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। कॉस्टली अगर आप सोचते हैं स्टील बर्ड का तो सेफ्टी बहुत ज़्यादा अच्छी देती है स्टील बर्ड, इसलिए कॉस्टली होने की कोई प्रॉब्लम नहीं। इस वीडियो को आपको कम से कम 5000 से बाहर निकालना है तो आपके लिए गिफ्ट होगा दोस्तों। स्टील बर्ड के लिए एक बार हो जाए हिप 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 तो दोस्तों बेस्ट कंपनी कह सकते हैं और सपोर्ट दे रही है हमें, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू स्टील बर्ड। और हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके बाय कर सकते हैं इस हेलमेट को। तो दोस्तों वीडियो हुआ खत्म, आगे क्या करना है आपको बच्चे बताएंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब कट कर लियो।